तो हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे कि वाटर पंप कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वाटर पंप एक हमारे घर में यूज होने वाला डिवाइस होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब हमारे घर में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में जो पानी हम कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं एक टंकी में, वो इलेक्ट्रिक पंप के सहाय से। तो ये इलेक्ट्रिक पंप कैसे काम करती है आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, बेल बटन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक अवश्य करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। हमारे घर में पानी भरने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का ही उपयोग करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है वाटर पंप में। तो दोस्तों, वाटर पंप के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक पार्ट। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो कि MSEB से आता है, उसको हम सप्लाई करते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर ये इसी सप्लाई और वाटर पंप के बीच में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये कैपेसिटर करंट एनर्जी के रूप में स्टोर करती है और जब भी हम वाटर पंप चालू करते हैं तो ये कैपेसिटर बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी एक साथ इलेक्ट्रिक मोटर को देती है और एक झटके में ये इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो जाती है। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर होता है एक झटके में मोटर को चालू करने के लिए। यही मुख्य उद्देश्य होता है इसका। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉपर वायर लूप ABCD जैसे कि कनेक्ट है, एक स्प्लिट रिंग जो कि फिक्स है एक एक्सल के ऊपर, और यहाँ पर स्प्लिट रिंग के ऊपर दोनों साइड्स में कार्बन ब्रश लगे हैं, और यहाँ पर ABCD एक कॉपर लूप नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट के बीच में है, और यहाँ पर कार्बन ब्रशेस कनेक्ट है E and F, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। तो दोस्तों, जब करंट पास होता है AB लूप में A to B थ्रू कार्बन ब्रशेस E and F, तब मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तब अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हमारे लेफ्ट हैंड का थंब दिखाता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, हमारा इंडेक्स फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों, तब फोर्स एग्जर्टेड होता है AB लूप पर, और लूप AB टिल्ट होता है नीचे की ओर, और जब करंट CD लूप में जाता है तब AB करंट डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है, और इसलिए यहाँ CD फोर्स एग्जर्टेड होता है और ऊपर की तरफ वो टिल्ट होता है। और दोस्तों, ये एक्सल एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग में घूमता है। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद टू हॉल्स ऑफ स्प्लिट रिंग X एंड Y ये फिर कांटेक्ट में आते हैं कार्बन ब्रशेस F and E के, तब करंट पास होता है DCBA में, और फिर से फोर्स एग्जर्टेड होते हैं लूप DC में, ये नीचे की ओर, और BA ये ऊपर की तरफ टिल्ट होते हैं, और लूप रोटेटिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रकार हर एक हाफ रोटेशन में करंट लूप के अंदर जाता है और एक्सल रोटेटिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट रिंग की वजह से आफ्टर हाफ रोटेशन पर यह रोटेटिंग करता है। इस तरह ए इलेक्ट्रिक मोटर चालू होती है। यहाँ पर सैंपल के तौर पर समझाया गया है कि एक सिंगल लूप ABCD लिया गया है। जब भी इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन करते हैं तब उसका RPM, लोड फैक्टर, उसका हॉर्स पावर, ये सब ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लूप्स होते हैं, वो डिज़ाइन के आधार पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक मोटर अलग अलग एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि फैन, मिक्सर ग्राइंडिंग, वॉशिंग मशीन, और हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला वाटर पम्प, ये इसमें ज़्यादातर उपयोग होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट आता है मैकेनिकल पार्ट। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के एक्सल के ऊपर एक रोटेटिंग ब्लेड फिट किया जाता है। ये
जब एक्सल पे घूमता है, मतलब रोटेट होता है, तो ये मोटर के अंदर सक्शन प्रेशर को बढ़ाता है, जो कि इनलेट सक्शन से पानी आता है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करती है, मतलब सक्शन पैदा करके हाई स्पीड से वो वाटर कलेक्ट करती है और उसको हाई स्पीड से, उससे ज़्यादा हाई स्पीड से उस वाटर को बाहर भेजती है आउटलेट से। तो दोस्तों, ये आउटलेट से वाटर को भेजती है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो शाफ्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, वहाँ उस पे हम ब्लेड लगाते हैं, उसकी वजह से वो रोटेट होता है और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है और इनलेट से पानी को अंदर खींचता है और हाई स्पीड से वो बाहर भेजती है। तो दोस्तों, इस तरह ये वाटर पंप इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे घर में इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती है। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक पंप, ये वाटर पंप, ये इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे सहायता करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये वाटर पंप काम करती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें।